हाय गाइस, योगेन शर्मा अगेन आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता है। तो इस सीरीज़ में, ट्रांसलेशन की सीरीज़ में, आज हम देयर और इट का यूज़ पढ़ेंगे। कहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं और कहाँ हम इट का यूज़ करते हैं, और इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा, यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। और बीच में छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस चैनल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए औरों से भी कहें, देखें इसको, समझें। तो शुरू करते हैं हम देयर और इट का प्रयोग। अब सबसे पहले हम देयर का प्रयोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर का जो प्रयोग होता है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट वाक्य का नहीं होता है, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अदर होते हैं, दूसरे शब्द होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में किसको लगाते हैं, हम देयर को लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब इस प्रकार के वाक्यों में किसी वस्तु या स्थान का होना अथवा ना होना पाया जाता है। वस्तु या स्थान का होना अथवा ना होना पाया जाता है। अब उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? सबसे पहले हम देयर लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में वर्ब होती है। वर्ब हमारी बी की फॉर्म के रूप में भी हो सकती है, हाँ, या हैज हैव के रूप में भी हो सकती है, हाँ, कहीं भी हो सकती है, बी की फॉर्म भी हो सकती है, या मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है। उसके बाद में नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि जंगल में एक शेर था, हाँ, जंगल में एक शेर था, तो देयर उसके बाद में था, वॉज एक शेर, ए लायन इन द फॉरेस्ट। अब इसमें शेर का होना पाया जा रहा है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? देयर का प्रयोग हुआ। अब ना होने के लिए, जैसे कि इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो कैसे बनेगा? देयर इज, अब क्योंकि नहीं है तो नेगेटिव, नो स्कूल इन दिस विलेज, इस गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। अब देखिए कितने आसान तरीके से देयर का जो एक, मैं आपको जो मेन वर्ब होता है उसका भी उदाहरण देता हूं। जैसे कुटिया में एक साधु रहते थे। तथातीथि आ गया, इसका मतलब पास्ट एंड अपने टेंस, सिंपल पास्ट भी हो गया। तो ये सिंपल पास्ट के तरीके से भी बन जाएगा, और ये बी की फॉर्म से बन जाएगा। मैं आपको बना करके दिखाता हूं, देयर लिव्ड ए हर्मिट इन द हट, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर वॉज ए हर्मिट इन द हट। तो ये जो देयर का जो प्रयोग है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको इट का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो इट का प्रयोग कैसे होता है? देखिए, इट का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से होता है। अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से इट का यूज़ होता है। और इट का यूज़ हम कैसे करते हैं, आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखिए। जब किसी मौसम का मतलब जाड़ा होना, गर्मी होना, वर्षा होना, हाँ, कोई मौसम संबंधी वाक्य हो, हाँ, मौसम, ये इट का यूज है। मैं यहां पर लिख दूं इट, तो मौसम, कोई आपको दिन का नाम बताना है, कोई तारीख बतानी है, आपको समय बताना है, मौसम, दिन, तारीख, समय, हाँ, कोई पुरानी बात बतानी हो, हाँ, तो इनके लिए, आदि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, क्या बनेगा? इट इज ट्यूसडे टुडे। हाँ, मेरी घड़ी में पांच बजे हैं, मेरी घड़ी में पांच बजे हैं, तो क्या लिखेंगे? इट इज फाइव ओ क्लॉक बाय माई वॉच। ठीक है, अब इसमें एक बात और बताना जा रहा हूं कि यदि किसी पर्सनल प्रोनाउन पर कोई जोर डाला जाए, जैसे कि यह मैं ही था, हा? जब उस पर जोर डाला जाए तब भी हम इट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, यह मैं ही था, क्या बन जाएगा? इट वॉज आई या मी, दोनों तरीके से बन जाएगा, इट वॉज मी या इट वॉज आई। अच्छा, एक बात और, हा? एक तरह क्लोज टाइप दिया होता है, जैसे कि यह तुम ही थे जिसने उसे पीटा था, हा? तो इसमें भी जोड़ दिया जा रहा है, तो क्या बनेगा? इट वॉज यू, जिसने हु पीटा था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बीट उसे, हिम। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए एंकरेज करें। थैंक यू।